संघात असंघात लोगों को धर्म से जोड़ने वाला है, ऐसे पद का ऐसे स्त्रो का स्मरण करते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है। इसलिए अपने समाज में भक्तांबर स्तोत्र का बड़ा भारी महत्व है। और उसी श्रृंखला में आज आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव भी है। होली का पहला दिवस उनका जन्मोत्सव रहता है, कल से होली प्रारंभ हो गई है, छठ से प्रारंभ हो गई है, सप्तमी का उनका जन्मदिन है, इसलिए कल भी 1.25 लाख जाप के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया। और आज भी हम लोग आज का पाठ, आज का जाप सब उनके जन्मोत्सव पर उनके चरणों में ही समर्पित कर रहे हैं। आराध्य गुरुदेव का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जाता है। प्रवर्तक श्री जी की सूचना आई, जगह जगह पर इतने जगहों पर आई मिल की आराधना हुई है, साधना हुई है, कल भी हुई है, आज भी होने वाली है। और दान पुण्य परोपकार के बहुत से कार्यक्रम संपन्न होते हैं। कल भी बहुत से परिवारों ने, बहुत सी संस्थाओं की तरफ से तरह तरह का सहयोग, दान पुण्य आदि संपन्न किया गया। आज भी उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्री काशी शाह केवल जैन परिवार, कमल जैन परिवार की तरफ से 5 बोरी अनाज, जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, कुमकुम आदि हैं, वो जीव दया के लिए प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे जब कभी भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर कुछ न कुछ कार्य अपनी अनुकूलता हो तो करना चाहिए। आज सन्मति बहुमंडल ने गुरुदेव के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जीव दया में पक्षियों को दाना डालने का, वृद्धाश्रम में अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाने का, और गौशाला में चारा डालकर गुण डालने का, और डायलिसिस में दान भी दिया है। और इस दिन सत्संगत का कार्यक्रम भी आज सन्मति बहुमंडल की तरफ से संपन्न होना है। तो ऐसे सन्मति बहुमंडल की युवतियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्य संपन्न किया है, और बहुत से परिवारों ने गुप्त दान के रूप में आराध्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेक जीव दया के कार्यक्रम किए हैं। आज सारा दिन भी आप लोग कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका जन्मोत्सव त्रिदिवसीय रखा हुआ है। कल 1.25 लाख जाप यहाँ पर संपन्न हुआ, और आज उसी उपलक्ष्य में सामूहिक आयमिल तपस्या का महोत्सव है। और आयमिल की कितनी महिमा है, आयमिल कितना अद्भुत है, ये तो हमारे शास्त्रों के अंदर भी जगह जगह पर उसका वर्णन बिखरा हुआ है, इतिहास बड़ा उज्जवल है। और आराध्य गुरुदेव ने अपने पूरा जीवन आयमिल तपस्या के लिए समर्पित किया हुआ है। उनको 1971 में जिस समय नेमीचंद जी महाराज साहब प्रेमसुख जी महाराज साहब के साथ, क्योंकि वो गांव गांव के अंदर खद्दर का प्रचार करते थे नेमीचंद जी महाराज साहब, और प्रेमसुख जी महाराज साहब यहीं विराजमान थे, तीनों संत आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेमीचंद जी महाराज और प्रेम सुख जी महाराज, ये तीनों संत यूपी के क्षेत्रों में गए और हर गांव के अंदर जाना, प्रवचन वगैरह रखना, और वहां पर खद्दर का प्रचार करना और धर्म ध्यान का, अहिंसा का प्रचार वगैरह करना, ये नेमीचंद जी महाराज साहब का एक आंदोलन ही था। तो उसमें यूपी के छोटे छोटे गाँव के अंदर विचरण कर रहे थे। करते करते अचानक किसी ने एकदम गुरुदेव के पास आकर के कहा कि महाराज, आपके सामने बड़ा मरणांतिक कष्ट आने वाला है,
बहुत तकलीफ के दिन आ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी होता है, और इसका एक इलाज मेरे पास है और एक इलाज आपके पास है। उसने जेब में हाथ डाला और चार पांच पुड़ियां छोटी छोटी निकाली और गुरुदेव संत प्रकाश जी महाराज साहब के हाथ में रखा। उन्होंने कहा इन पुड़ियों को आप ले लेना, और आपकी तरफ से जो करना है अगर आप दो महीने का आयु मिल कर लें तो ये कष्ट जो है बहुत आराम से टल जाएगा। अब ऐसी बात अचानक कोई कहे, अचानक आकर के कहे, एकदम रास्ते में जंगल के बीच में कहे, तो थोड़ी अब उसमें परेशानी तो होती है। और जिस समय ये हुआ वो एकदम इतना कह करके पीछे चले गए। गुरु जी ने कहा अरे पूछ तो लो कौन है, जिस समय देखा तो कुछ आता पता नहीं लगा, बट आई गई हो गई। और यहाँ चतुर्मास के लिए आना ही था, आराध्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान थे, चतुर्मास के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो गुरु जी ने आराध्य गुरुदेव श्री शांतिस्वरूप जी महाराज साहब के सामने ये प्रार्थना की, इस प्रकार की घटना घटी और वो मैंने वो पुड़िया तो ले ली। और इस प्रकार की बात अचानक इस तरह से हो गई, वो कौन था, क्या था, इसके अंदर कितनी सत्यता है, इसका किस तरह से यकीन किया जाए। गुरु जी ने जिस समय पूछा तो गुरु महाराज ने इतना ही कहा, देखो सुमत, जो कोई भी हो उसने कहा तो अपने हित की बात कही है, हमारे स्वास्थ्य लाभ की बात कही है, हमारे को जो है एक साता पहुंचाने की बात कही है, और अपनी तरफ से कुछ दवाई भी दिया है, और उन्होंने जो प्रेरणा दी, अगर कौन था, क्या था, क्यों है या नहीं है, ये सच है या नहीं है, इन चक्करों के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे को लगता हो सकता हो अगले किसी वृद्ध व्यक्ति ने आपको सूचना दी है तो हो सकता है, तो आए मिल कर लो। अब इसमें तर्क वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, किसने हमारे हित के लिए कहा, कोई बुरा तो कहा नहीं, उसने आयम मिल के लिए कहा है, और जिसने भी कहा हो इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो गुरु जी ने मन बनाया और 1971 के चतुर्मास में, चतुर्मास के पहले दिन से ही 7-8 जुलाई को उन्होंने आयम मिल तपस्या शुरू कर दी। और गुरु महाराज ने कहा भाई आयमिल तपस्या के साथ नमकार मंत्र का खूब जाप करो, जितना भी हो सकता है तप और जप। तो आयमिल तपस्या की अपनी महिमा, 1971 में गुरुदेव ने प्रारंभ किया, और बाद में जिस समय पता लगा कि वास्तव के अंदर जैसे कुछ टेस्ट वगैरह करवाया तो ऐसा हुआ भाई ये तो तकलीफ तो बहुत बड़ी है, लेकिन आयमिल पूरी होने के बाद इसका इलाज वगैरह करवा लेंगे। और जिस समय और चिंता भी हो गई, फिक्र भी हो गई, और आयम मिल तो चल ही रहे थे। अब जिस समय ठीक 2 महीने हुए आयम मिल तपस्या के, और उस समय गुरुजी ने पूछा भी था भाई आयम मिल करना हो तो मैंने पहले इतना किया नहीं, मेरे से होता भी नहीं है, किस तरह से करना। गुरु महाराज ने कहा भाई 3 तरह के आयम मिल होते हैं, एक तो उत्कृष्ट आयम मिल होता है, जैसे रोटी जो है वो रोटियां हैं रूखी रोटी, उसको गर्म पानी के अंदर डाल दो, अगर उसके अंदर वो भीग जाए तो उस पानी को, उस रोटी को उसके अंदर घोल करके उसको पी लेना, उसी पानी को पी लेना और वही अनाज अंदर जाए, ये तो उत्कृष्ट रूप से आयम मिल की आराधना है। और मध्यम में यह है एक पानी और या एक या दो दूसरा जो अनाज कोई सा भी ले करके इतना ही कर लेते हैं, तो सिर्फ 2-3 जो है द्रव्य को लगाते हैं, 2 द्रव्य को जो अनाज के रूप में, 1 द्रव्य पानी के रूप में, सिर्फ इन द्रव्यों को लगा के करते हैं तो ये मध्यम आयम मिल रहता है। और बहुत से आयम मिल और बहुत से उसके अंदर जो है स्वाद देख करके ये खाया जाता है नहीं खाया जाता, इसमें स्वाद रहेगा, फलानी चीज को खाया जाता है उसको खा लेते हैं, इस तरह से अगर करते हैं, तरह तरह के आइटम बना करके करते हैं, तो वो 3रे नंबर का आयम मिल वो साधारण आयम मिल होता है, जैसे तुम्हारे को साता है वैसा आयम मिल करो। तो गुरु जी ने दूसरा आयम मिल स्वीकार किया था,
मैं दो द्रव्य तीन द्रव्य नहीं लगाऊंगा, एक पानी और एक अनाज। रोटी लगाए तो रोटी, चावल लगाए तो चावल, चने लगाए तो चना। तुझे एक द्रव्य अनाज का और एक पानी का, ऐसे उन्होंने जो है वो शुरू किया और 2 महीने तक इसी प्रकार का आयम मिल गया। और आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि आयम मिल ये बड़ा कठिन काम है। और उत्कृष्ट आयम मिल तो कितना कठिन है, और रोटी के अंदर अगर जरा सा सब्जी से भी गीला हो तो आदमी रोटी फेंक देता है, और पानी के अंदर जो भीगी हुई रोटी को जो खाना, कितना कठिन काम है। ये आयमबिल है, उत्कृष्ट आयमबिल जिसको कहते हैं, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और गुरु जी ने कहा भाई वो तो मेरा जो इतना जो नहीं है, लेकिन दूसरा आयमबिल मैं कर लूंगा, लेकिन अनाज, एक ही अनाज, एक ही पानी लगाऊंगा। ऐसे 2 महीने उन्होंने आयमबिल किया और नमकार मंत्र का जाप करते रहते थे तपस्वी महाराज के कमरे में बैठ करके। और जिस समय 2 महीने पूरे हो गए, उनका जाप चल रहा था, जाप जाप के अंदर उनको जो है तंद्राशी आ गई। और उन्होंने उसके अंदर देखा, वो 2 महीने पहले, सवा 2 महीने पहले जिस व्यक्ति को देखा था, जिस महात्मा को देखा था, वही महात्मा सामने खड़ा है और बड़ा प्रसन्न है। उन्हें कहा महात्मा जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने 2 महीने आपके आयमबिल हो गए और आपने हमारी बात को माना, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर काम किया। और इतना खुश प्रसन्न था, उसने कहा मुनि जी अब जो 14 वर्ष तक अगर तुम्हारे को कोई मौत के मुंह में भी धकेल दे ना तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और जैसे ही गुरु जी ने प्रत्यक्ष वैसे देखा और जैसे ही इतनी खुशी की बात हुई और तंद्रा उनकी टूटी, देखा तो अंधेरा ही है, कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज के पास आए और सब उन्होंने बतला, इस प्रकार की बात हुई। उन्हें कहा सुमत अच्छा हुआ ना तुमने बार बार पूछा नहीं, तुम कहते थे क्या है, किसने कहा, किस तरह, अब तो पता लग गया ना किसने कहा। कोई देवात्मा ही हो सकती है, कोई भव्य आत्मा ही हो सकती है, कोई हमारा परम मित्र आत्मा ही है जिसको तुमने, तुम्हारे को उसने सहयोग दिया और उस बात को माना। तो देखो आज अब इतनी गुरु जी को प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। उन्हें इतनी प्रसन्नता प्रकट की कोई देव दर्शन हो जाए और उसके अंदर इतनी प्रसन्नता प्रकट कर कोई करे तो कितनी बड़ी बात होती है। तो इतने खुश थे गुरुदेव ने कहा गुरु जी, गुरु महाराज ने कहा भाई ये कोई देव आत्माएं हैं, तुम्हारे मित्र जो आत्माएं हैं, ऐसा सहयोग वो लोग करते हैं, तुम्हारी बड़ी पुण्यवानी है। चलो आज तुम्हारे को सब भरोसा हो गया, सब विश्वास हो गया। और गुरु जी को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। गुरु जी ने कहा गुरु महाराज कल मैं पार नहीं करूँगा और आप जो है आप बतलाएं कि मैं 14 वर्ष के लिए शामिल को आगे चलाना चाहता हूँ। उन्हें कहा देख सुमत 14 वर्ष चलाना कोई आसान काम नहीं है, और 2 महीना तुमने कर लिया उतना बहुत है। उन्हें कहा एकांतर, लगातार तो नहीं, एकांतर में 14 वर्ष तक इस आयमबिल को चलाऊंगा। क्योंकि 14 वर्ष का उन्होंने बात कही है कि मुनि जी 14 वर्ष तक तो मौत के मुंह में भी जाओगे तब कोई बाल बांका नहीं होगा। जब 14 वर्ष की बात उनकी मुंह से आई है तो मैं 14 वर्ष के लिए, उसी दिन उन्होंने 14 वर्ष के लिए एकांतर आयमबिल की प्रतिज्ञा की। और उसके बाद तो बिहार भी होते रहे, अनुकूलताएं प्रतिकूलता भी रहे, हम थे कई कई बार तो आयमबिल का कोई साधन नहीं मिलता था, गांव में गए आयमबिल का कोई साधन नहीं मिला तो क्या करना। वो चने की दाल ले आते थे, जैसे चने की दाल, वो चने की दाल जो बनाने के लिए घर में रखते हैं, एक मुट्ठी चने की दाल लाते और उसको भिगो के रखते, 1-1.5 घंटा उनको भिगो के रखा, फिर उस चने की दाल को खा करके आयमबिल किया। बड़े कठिन आयमबिल किए, लेकिन उनके जीवन की इतनी बड़ी सुरक्षा हो गई। और वो आयमबिल करने के बाद ही, उस आयमबिल शुरू करते ही 71 में नवंबर के आखिर के अंदर हमारा आना हुआ। उसके बाद तो उनके परिवार की बढ़ोतरी होती गई, उसके बाद इतनी दीक्षाएं हुई, इतनी धर्म प्रभावना हुई। तो आयमबिल तपश्चर्या अद्भुत है, और गुरुदेव की वजह से देश भर में आयमबिल की तपश्चर्या हुई। और 7-7 वर्ष बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 49-50 वर्ष तक की उन्होंने आयमबिल की आराधना की। तो उनके सम्मान में, उनके आदर में, उनके सत्कार में
हम लोग आज का आंगिल उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, इसलिए तहदील से सभी लोगों ने आंगिल के अंदर भाग लेना है। और आज का आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव आंगिल तप के द्वारा हम लोगों ने संपन्न करना है। और भक्तामृत स्तोत्र में आज 38वां जो श्लोक है, 38वां श्लोक ये मदोन्मत्त गज को वश करने में जो है बहुत जो है प्रभावशाली है। और इसी प्रकार जो 39वां जो श्लोक है वो सन्मार्ग दर्शक श्लोक है। ये दोनों ही बड़े अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। आज जो है इन दोनों श्लोकों का आज जो है संपुट यहाँ पर संपन्न होगा। आप लोग बड़ी सद्भावना के साथ इस संपुट के अंदर भाग ले रहे हैं और गुरुदेव के जन्मोत्सव पर उनको बधाई देने के लिए, उनको मंगल कामनाएं देने के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सामूहिक रूप से बहुत सुंदर जो आयोजन है आज का जो आयोजन, और उसके साथ साथ आज के आंगिल का आयोजन, तो इसमें तहदील से आप लोग भाग लें और गुरुदेव के प्रति उनके स्वास्थ्य कामना के अंदर अपने आप की भावनाओं को समर्पित करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अब हम सब मिलकर के आज के संपुट को संपन्न कराने जा रहे हैं। तो अब मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज दो श्लोकों का संपुट संपन्न करवा रहे हैं। चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध, बस कोई न वचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन, भक्तामृत स्तोत्र की साधना चल रही है। आज हम 38 और 39वें श्लोक की आराधना करेंगे, उससे पूर्व हम सब लोग उसकी विधि को संपन्न करें। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण इसी भावना के साथ। छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा, शिपोम स्वाहा, शिपोम स्वाहा, शिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः,
श्री आदिनाथ नमोत्थुण समणस्य भगव महावीरस्य 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 नमोत्थुण समणस्य भगव नमोत्थुण समणस्य भगव महावीरस्य ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 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 भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपा वालंबरं भवजने पततां जनानां सोचन्मदा विलविलोलकपोलमूल मात्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितान् कुम्भगलदुज्ज्वलशोणितात मुक्ता फलादुतिमुप बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा यशस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वभूणितात् मुक्ता फलः प्रकरभूषितभूमिभागा बद्धक्रमोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते बुद्ध्या विनापि विबुधाचितपाद स्तोतुं समुदतमतिर्विगतात्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैच्छति बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंस्थितन्ते वक्तुं गुणानगुणसमुद्रश्चकान्त कस्ते क्षमासुरगुरोप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोधतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमभुनिधिं भुजाभ्यं चोतन्मदा विलविलोलकपोलमूलम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रेतात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निज चोतन्मदामापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भिन्ने भकुम्भगलदुज्जलशोणितात् मुक्ता फल क्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति सन्निबद्धं पापं चणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं चोतन्मदा विलविलोलकपोलं मोक्ता फलप्रकरभूषितभूमिभागा बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रम मतवेति नाथ तव सस्तवनं महेदामारभ्यते तनुदियाप्तं तस्सं कथापि जगतं दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जे चोतन्मदा विलविलोलकपोलमूल मत्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिममोदतमा दृष्ट्वा भूषित बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चलसंसितन्ते दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति कृत्वा पयन्ते एषान्तरागरुचिभिः परमाणुभीष्टं निर्मापि
कोल कपोल मूला मत्यम भ्रमद भ्रमर नाद विविद कोपम ऐरावता भमि ममोद दृष्ट्वा भयं भवति नो भिन्ने कुंभ गल दुज्जल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग बद्य क्रम क्रमगत हरिणादिपोपी नाक्रामति क्रमयुगा चल संसितंते संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप भिन्नेव कुंभ गल दुज्जल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा बद्याक्रमाक्रमगत नात्र निरुद्ध महाप्रभाव महिमासि मुनीन्द्र लोके स्तन्मदा विलविलोल कपोल मूला मत्या भ्रमद भ्रमर नाद विविद कोपम ऐरावता भमि ममो भाग बद्याक्रम क्रम गतम हरिणा किं सर्वरेषु शशिना हि विवस्वता वायुस्मन्मुखेन्दु दलितेषु तम निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यकिरञ्जलधरे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पृणं मणिषु याति यथा नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि कपोलमूला मत्या भ्रमद् भ्रमरनाद विविद कोपम ऐरावता भमि ममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयम् भिन्नेव कुम्भ गल दुज्जल शोणिताक्तमपि किं वीक्षितेन भवता भुवेन तस्मिन्मनोहरति न चोतन्मदा विलविलोल कपोलमूला मत्या भ्रमद् भ्रमरनाद विविद ऐरावता भमि ममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ददति भानि सहस्ररश्मी प्राचेव दिग्ज चोतन्मदा विलविलोल कपोलमूला मत्या भ्रमद् भ्रमरनाद ऐरावता भमि ममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदा भिन्नेव कुम्भ गल दुज्जल शोणिताक्ता मुक्ता फला मामनन्ति मुनया परमं पुमांसा मादित्यवर्णमलं तमसा पुरस्ता त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृतं नान्ये शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था सोचन्मदा विलविलोल कपोल भिन्नेव कुम्भ गल दुज्जल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित मद्याक्रम क्रमगतम हरिणादिपोपि नाक्रामति क्रमयुग त्वामाभयं विभुमचिन्तम सङ्ख्यमध्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेक ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः तोचन्मदा विलविलोल कपोलमूला मत्या भ्रमद् भ्रमरनाद विविद कोपम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भ गल दुज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा बद्याक्रम क्रमगतम हरिणादिपोपि नाक्रम बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा तन्संकरोऽसि भुवन त्रयशङ्करत्वात् धाता शिधीर शिवमार्ग विदे विदान
दिने भकुंभ गलदुज्जल सोनिताता मोक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा बद्या क्रमा क्रमगतम हरिणादिपोपी नाक्रामते क्रमयुगा तोभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो शोचन्मदाविरविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमद्भ्रमरनाद विवेद ऐरावता भविममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भिन्ने कुंभ गलदुज्जल सोनिताता मोक्ता विस्मयोत्रयति नाम गुणैरशेषै तञ्सञ्चितो निरवकाशतया दोषैरपात विविधाश्रयजातगर्वै चिदपेक्षितोऽसि ममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणितात् मुक्ता फला प्रखरभूषितभूमिभागा बद्यक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चलसंसितन्ते सिंहासने मणिमयो कशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं व्ययदुलशतं सुलतावितानां तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मे शोचन्मदा विलविलोलकपो ऐरावता भमिभमोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने कुम्भगलदुज्जलसोनितात् मोक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्यक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चलसंसितन्ते कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपुः कलधौत बोध्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्य स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं श्रोतन्मदा विलविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने कुम्भगलदुज्जलशोणितात् मोक्ता फला प्रकरभूषितभूमि बद्यक्रमाक्रमगतं हरिणसन्तानकादिकुसुमत्करवृष्टिरुद्रा सभ्रमद्भ्रमरनादविवेदकोपम् ऐरावता भविममोदतमापदाश्रितान् कुम्भगलदुज्जलशोणितात् मोक्ता फला प्रकरभूषितभूमि बद्यक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमत्करवृष्टिरुद्रा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपात शोचन्मदा विलविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमन् भ्रमरनाद विवेदकोपम् ऐरावता भमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने कुम्भगलदुज्जलशोणितात् मुक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्यक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा सौभ्रात्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यात्रयं दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति तरभूरिसङ्ख्याः दीप्त्या ज्वया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं शोचन्मदा विलविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिभ
पदा प्रकर भूषित भूमि भाग भद्रा क्रम क्रमगत हरिणा दीपोपी नाक्रामति क्रम युगा स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ स धर्म तथ कथने कपटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदाथ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वचन्मदा विल विलोल कपोल मूला मत्या भ्रमत भ्रमरनाथ विविर्द कोपम ऐरावता भविमो दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां देव कुंभ गल दुर्जल सोनिता मुक्ता फला पुनेन्द्र हे मनव पंकज पुंज कांति पल्योल सन्न कमयो कशिखा विरामो पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पदमानि तत्र विबुध चन्मना विल विलोल कपोल मूला मत्या भ्रमद भ्रमरनाद विविर्द कोपम ऐरावता भवि ममोद तमापतंदम दृष्ट्वा भयं भवति नो भिन्नेव कुंभ गल दुर्जल सोनिताता मुक्ता फला भद्रा क्रम क्रमगत हरिणाधिपोपी नाक्रामति क्रमयुगा इत्थं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रवादिन कृता प्रहतन्धकार तादृक्कुतो गणगणस्य विकासिनोऽपि सोचन्मदा विल विलोल कपोल मूल ऐरावता भवि ममोद तमापतन्दं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भ गल दुर्जल सोनितात् मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग भद्रा क्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगा चल संसितन्ते स्वचन्मदा विल विलोल कपोल मूल मत्या भ्रमद भ्रमरनाद विविर्द कोपम ऐरावता भवि ममोद तमापतन्दं दृष्ट्वा भयं भवति नो भिन्नेव कुम्भ गल दुर्जल सोनितात् मुक्ता फला भद्रा क्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगा चल संसितन्ते स्वचन्मदा विल विलोल कपोल मूल मत्या भ्रमद भ्रमरनाद विविर्द कोपम ऐरावता भवि ममोद तमापतन्दं दृष्ट्वा भिन्नेव कुम्भ गल दुर्जल सोनितात् मुक्ता फला प्रकर भद्रा क्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगा चले कल्पान्तकाल पवनो धतवन्नि धावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तम् शोचन्मदा विल विलोल कपोल मूलान्तम् आक्रामति क्रमयुगा चल तन्नाम नागदमने हृदयं सपुंसा शोचन्मना विल विलोल कपोलम् मत्या भ्रमद भ्रमरनाद विविर्द कोपम ऐरावता भवि ममोद तमापतन्दम् असुविलामुपैति शोचन् मत्या भ्रमद भ्रमरनाद विविर्द कोपम ऐरावता भवि ममोद तमापतन्दम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भ गल दुर्जल सोनितात् मुक्ता फला प्रकर भद्रा क्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगा कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर युद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जे अपक्षात् तदपाद पंकज वनाशहिणो लभन्ते शोचन्मदा
विल विलोल कपोल मूला मत्या भ्रमन भ्रमरनाद विविध कोपम ऐरावता भमिमूद तम पतंदम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने कुंभ गल दुज्जल शोणिताक्त मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग वद्यक्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसितन्दे अम्भो निधौ चुवित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ भयदुल रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्र प्रासं विहाय भवता स्मरणावजन्ति शोचन्मदा विल विलोल कपोल मूला मत्या भ्रमद भ्रमरनाद विविध कोपम ऐरावता भमिमूद तम पतंदम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने कुंभ मोक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा वद्यक्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसितन्ते उदभूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तदपाद पंकजरजो मृत दीघदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्य रूपा सुचन्मदा विल विलो क्रमं क्रमर्दनाद विविध कोपम ऐरावता भमिमूद तम पतंदम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने कुंभ गल दुज्जल शोणिताक्त मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा वद्यक्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्राम आपादकंठ मरुशृंखल विष्टितांगा गाढ़ं व्रीह निगृष्टकोटि निगृष्टजंगा वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत वंद भया भवन्ति शोचन्मदा विल विलोल कपोल मूला मत्या भ्रमद भ्रमरनाद विविध कोपम ऐरावता भमिमूद तम पतंदम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने कुंभ मोक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा वद्यक्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति मत्यधिपेन्द्र भृगराज दवानलाये संग्राम वारिधि महोदर वंदनोतम तस्यासुना समुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तमिमं मतिमानधीते शोचन्मदा विल विलोल कपोल मूला मत्या भ्रमद भ्रमरनाद विविध कोपम ऐरावता भमिमूद तम पतंदम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने कुंभ गल दुन मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा वद्यक्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति स्तोत्रं सजन्त वजिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्तिव्यामया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पं धत्ते जनो यय कण्ठगतामजर्षं तम्मान तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी शोचन्मदा विल विलो मत्या भ्रमन् भ्रमरनाद विविध कोपम ऐरावता भमिमो भिन्ने कुंभ गल दुज्जल शोणिताक्त मोक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा वद्यक्रम क्रमगत हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसितन्ते भक्तां मरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोदितानां सम्यक् प्रणाम्य जिनपादयोगं योगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुता सकलवा मयतत्त्वबोधा दुदभूतबोधिपटो मे सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरोदारे
राममापितं प्रथमं जिनेन्द्रं सौशेकिलामापितं प्रथमं जिनेन्द्रं इति अतिसुन्दरं भ्रमरिकं कल्याणकरं हितकरं सुखकरं मोक्षदायकं पापचायकं कर्मनाशकं शान्तिकरं रहस्यमयं गुणतांत्रिकं तंत्रमंत्रयुक्तार्थपदभावालंकारणपरिपूर्णं आध्यात्मिकं काव्यरत्नं साहित्यिकं भक्तमनार्थं महास्तोत्रं तस्य शान्तार्थं उपशान्तार्थं हितार्थं कल्याणार्थं मोक्षार्थं सद्विधिन सद्भक्त सद्भावेन भगवच्चरण सर्वदय परिपूर्ण भावन समर्पय हे प्रभु आपके श्री चरणों में ये भक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीष झुकाते हैं। देवाधिदेव श्री सादर शीष झुकाते हैं। श्री आदि जिने स्वर धर्म दिने स्वर जगदीश्वर दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की दुख सागर में थी प्रियो सवर सिनी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की प्रियो सवर सिनी हरि सकल व्याधि दुखिया तन की अमृत सागर जग रक को सदा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग सदा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीष झुकाते हैं। श्री आदि जिने स्वर धर्म दिने स्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने 38 और 39वें पद की आराधना की, जिसमें अपने आराध्य देव के लिए आचार्य मानतुंग जो स्तुति उन्होंने की और जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया उसका भावार्थ के रूप में आपके समक्ष रख रहे हैं। मद से झरता कपोल जिसका मलिन और चंचल होता उन्मत भंवरों की गुंजार से छाया क्रोध भान खोता ऐसा रोष भरा हाथी भी अगर जो सामने आवेगा तेरा आश्रय लेने वाला भक्त नहीं घबरावेगा। मधुल मत कुंजर मस्तक का जो विराण कर लेता रक्त मिश्रित मोतियों से पृथ्वी को चमका तेरा युगल चरण प्रवत का जो भी आस
सकता। तो बंधु आचार्य मान तुम जिस तरह से अरिहंत प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और इस स्तुति में 38 से लेकर 47 तक जितने भी ये श्लोक हैं, इन श्लोक में जो भक्त अरिहंत प्रभु के प्रति आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, भक्ति करता है, ऐसे भक्तों को अभय होकर रहने की उन्होंने क्या की, एक ऐसी भावना और चाहना की, उन्होंने कहा कि ऐसा भक्त ऐसा अभय से भर जाता है कि अभय होने का मतलब ये, निर्भय होने का मतलब है कि हमारे भीतर से धीरे धीरे संपूर्ण हिंसा समाप्त हो जाती है। जितने जितने हमारे भीतर में गहरी हिंसा होगी उतना उतना हमको भय लगेगा, जितना जितना हमारे भीतर में पाप होगा उतना हम भयभीत होते हैं, डरते हैं। और बंधु भयमुक्त होने का मतलब, निर्भय होने का मतलब, जितना धीरे धीरे से हमारे भीतर में धर्म का प्रवेश होना है। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु से कहते हैं आचार्य मंतुम, बंधु कितना ही भयंकर वो सिंह हो या हाथी हो, मधुरमत्त हाथी हो, ऐसे हाथी और सिंह भी जो आपकी शरण में लेने वाला जो भक्त होता है उसके समक्ष वो नतमस्तक हो जाते हैं। और बंधु इस तरह जो भक्ति करता है, अरिहंत की भक्ति करता है, सामान्य पशु तो क्या, बंधु देवता भी उसको क्या करते हैं, ऐसे धर्मात्मा को नमन करते हैं। आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस्य धम्मे सयामणो। जिसके भीतर में, जिसके मन में धर्म का वास होता है, धर्म बसता है, उसको देवता भी नमन करते हैं। तो बंधु ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। आज हम लोग तो बड़े कमजोर हैं और हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हम सोचते हैं हम बड़े कमजोर हैं, परंतु हमारे आराध्य देव फरमाते हैं अगर तुम धर्म की शरण में जाओगे, अरिहंत की भक्ति करोगे, अरिहंत की भक्ति और धर्म का शरण जीवन में ऐसा चमत्कार प्रदान करने वाला होता है कि देवता भी तुम्हें क्या करते हैं, तुम्हारी सेवा में रह सकते हैं, तुम्हारे वश में हो जाते हैं। जैसे अभी हम सब लोग आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुन रहे थे, बंधु एक कोई अदृश्य रूप में देवता आता है और देवता प्रकट होकर के आराध्य गुरुदेव के उस समस्याओं के बारे में अगर संकेत करता है, ये भी एक प्रकार का धर्म का चमत्कार है। जिसके मन में धर्म होता है, जो धर्म को जिसने स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया, धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा जिसकी होती है, उसको बंधु सामान्य पशु जगत तो क्या, मनुष्य जगत तो क्या, देवता भी उसको क्या करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे आराध्य गुरुदेव श्रवण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जन्मोत्सव का कार्यक्रम आप और हम सब लोग मना रहे हैं, और आज आप सब लोगों ने आराध्य गुरुदेव के प्रति अपनी महाश्रद्धा को प्रकट करती है, विशाल आंबिल की तपस्या आराधना करके आंबिल की तपस्या के माध्यम से इस आराध्य गुरुदेव को अपनी श्रद्धा के पुष्प समर्पित कर रहे हैं। और बंधु ये आंबिल आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर इतने विशाल रूप में हर जगह पर होते हैं, और इसके इसका इतिहास क्या है, कब से शुरू हुआ है और कब से ये करने लगे हैं, शायद इस चीज़ का हम लोगों को पता भी ना हो कि बंधु ये प्रारंभ हुआ है। सामूहिक आंबिल की जो परंपरा शुरू हुई है, मंदो 1985 से, और 1985 में जब वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनिजी महाराज साहब, जो आराध्य गुरुदेव से स्वतंत्र होकर प्रथम चतुर्मास आपने बड़ोद में किया, और बड़ोद के अंदर जब आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव का कार्यक्रम आया, और उस समय वहाँ पर उन वाचनाचार्य भगवान ने वहाँ की युवक और युवतियों को प्रेरणा दी, और युवक और युवतियों को प्रेरणा देकर विशाल आयंबिल तपस्या की जब प्रेरणा उनको मिली, ऐसा उत्साह का माहौल बना। और बंधु उस उत्साह के माहौल को देखते ही बंधा था, तो प्रथम बार तो आयंबिल का माहौल बन रहा था, बंधु लगभग 1500 आयंबिल क्या हुए वहाँ पर, वो छोटे से बंधु कस्बे में 1500 आंबिल की विशाल आराधना हुई है। और बंधु पहली बार जब 1500 आंबिल से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, उसके बाद तो दिन प्रतिदिन बंधु आंबिल की संख्या बढ़ती चली गई। जहाँ आराध्य गुरुदेव का चतुर्मास होता है और वाचनाचार्य भगवान की जहाँ प्रेरणा होती है, वहाँ पर 8,000 आंबिल एक साथ में बैठ करके लोगों ने करना प्रारंभ किया। ऐसा विशाल आंबिल का कार्यक्रम
भी यहाँ पर आप और हम सब लोग आराध्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा से भरे हुए हैं और हम लोग सब आम्बिल की तपस्या में लगे हैं और आप सब लोगों ने भी विशाल रूप में बड़ी संख्या में आम्बिल करके आराध्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट किए हैं और इसी तरह से बंधु आइए आइन इस परिवार की ओर से आज का ये संपूर्ण यहाँ पर संपन्न होता है। मैं श्री कमल जैन को आमंत्रित करता परम पत्नी सहित आगे आए और वाचनाचार्य भगवान के हाथों से वो अपना आज का प्रसाद स्वीकार करेंगे। इसी तरह से अगर कमल की माता जी यहाँ पर हो तो भी आगे आ जाएं। मीना जैन गुरुदेव के जन्मोत्सव अभी श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आराध्य गुरुदेव के प्रति अपनी भावना रखते हुए एक सुंदर सा भजन आपके समक्ष श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब समर्पित कर रहे हैं और वाचनाचार्य भगवान के हाथों से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। Hey।
है पावन नाम तुम्हारा है
के प्रकाश हमारे हिमाचल चाव गाव गुरु जन्म स्थान तुम्हारा स्वीकारो नमन हम स्वीकारो नमन हमारा हे श्रमण संघ के सलाहकार स्वीकारो नमन हमारा है पावन नाम तुम्हारा है पावन नाम तुम्हारा बोल श्रमण संघ के विश्व में पिता महाराज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे बोल श्रवण भगवान महावीर स्वामी की आज हमारी इस धर्मशाला में बड़े प्रमुख अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं ठेठ चेन्नई से श्री गौतम जी कटारिया आप संघ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं कटारिया जी पीछे बैठे हैं जड़े खड़े हो जाएं चेन्नई में वो जो है गुरु सुमति विशाल डायलिसिस सेंटर को चलाते हैं जिसमें 11 मशीनें चलती हैं और लाखों रुपया का खर्च लगातार वहाँ पर चलता रहता है। सारा डोनेशन करने की जिम्मेदारी कलेक्शन करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। हमारे समाज के कर्मठ जो है कार्यकर्ता हैं और इनकी जो दृढ़ता है किसी से कलेक्शन करना पैसा मांगना और डायलिसिस को चलाना क्योंकि वहाँ पर आमदनी तो कुछ भी नहीं है तो इतना बड़ा काम वर्षों से जब पूज्य आशीष मुनि महाराज साहब का चतुर्मास हुआ तब से लगातार चल रहा है उसके लिए उनको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। उनके साथ साथ श्री दीपक जी यहाँ पर आए हुए हैं महावीर जी आए हुए हैं और नाहर जी आए हुए हैं वो चारों श्रावकों को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। और जयनगर मेरठ में जो गुरु शांति आशीष डायलिसिस सेंटर चल रहा है उसके भी सबसे बड़े डोनर वही हैं और वहीं से उन्होंने तीनों मशीनों को यहाँ पर भेजा है। सारा गाइडलाइंस उनका है और यहाँ पर गुरु प्रवर्तक शांति आशीष सेवा समिति है उनके सभी सदस्य उनके मार्गदर्शन लेकर के यहाँ पर मेरठ में डायलिसिस सेंटर चल रहा है तो उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है तो इसको भी आगे चलाने का मार्गदर्शन करने का सारा जो है ये काम गौतम जी कटारिया ने किया है। आज ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने है उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं सर्वकामनाएं देते हैं। और चेन्नई में इन्होंने और इनके इनके साथियों ने सारे युवकों ने मिलकर के वहाँ पर सुमति विशाल बुक बैंक को चालू किया। जब आराध्य गुरुदेव का चातुर्मास 1990 में हुआ उसके बाद जहाँ से पुस्तक देना शुरू करते विद्यार्थी डॉक्टर बने इंजीनियर बने या कुछ भी कितनी भी पढ़ाई करे सबको जो मुफ्त के अंदर उन्होंने पुस्तक उपलब्ध करवा करके बहुत बड़ा सेवा का काम किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं आप लोगों को हम अपनी तरफ से आराध्य गुरुदेव की तरफ से पूरे सुमति विशाल जो गुरु निहाल परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं और आपका स्वास्थ्य लाभ बना रहे आप आगे से आगे बढ़े और अपने टीम के साथ आगे बढ़ते रहें कि सेवा का काम हमेशा आगे से आगे बढ़ा सकें ऐसी शक्ति आपको मिले ऐसे शासनेश प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप सभी भाई बहनों ने सामूहिक रूप से कल से आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव मना रहे हैं आप सबको उनके जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाइयाँ और मंगल कामनाएं आप लोगों को देते हैं। आप
लोगों के शरीर में स्वस्थता बनी रहे, घर परिवार में सब प्रकार की सुख शांति बनी रहे, कारोबार में सब प्रकार की अनुकूलता बनी रहे और धर्म ध्यान की भावना दिनुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ती रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और आराध्य गुरुदेव की छत्र छाया, आराध्य गुरुदेव के दर्शनों का लाभ आप सबको लगातार लगातार मिलता रहे, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज की सभा को हम समापन की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि फिर जो है यहाँ पर आंगिल के धारने का उत्सव ठीक पौने बारह बारह बजे यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा, उसमें भी आप सब लोगों ने सम्मिलित होना है। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। हाँ, कोई भी परिवार, कोई भी संस्था, कोई भी गुरुदेव के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ भी परोपकार का, सेवा का कोई काम करना चाहे, आप लोग कर रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं, उसकी सूचना जब जब भी आप लोग हमारे पास पहुंचाएंगे, हम समाज को उसकी सूचना पहुंचाएंगे। आज के एकासने वियासने का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का एकासना वियासना हो तो आज के एकासने वियासने का वचकान, आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का आयमिल हो, आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आप सभी श्रावक श्राविकाएं आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयमिल की तपस्या कर रही हैं, आप लोगों को सब तरह से साता रहे, इसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। सामूहिक रूप से आज के आयमिल की तपस्या का प्रत्याख्यान, आयमिल आश्रम धाम सर्वनम सहसागरण सब समय त्याग, वो सरे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद दो, अच्छी तरह से दे दो, तपस्या करने वालों को आज का उपवास का प्रत्याख्यान, और इनका आज बेला है, आपका बेला है ना, आज गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आपने बेले तपस्या की आराधना की है, आपका वर्षी तप चल रहा है, आप एक दिन छोड़कर के उपवास करते हैं, कल भी उनका उपवास था और आज भी उन्होंने उपवास करके डेली की तपस्या गुरुदेव के चरणों में समर्पित की है, उनको बहुत बहुत मंगल कामना। तपस्या करने वालों को आज के उपवास का, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, और भी किसी भाई बहन का उपवास हो आज के उपवास का प्रत्याख्यान, हरियंत सुनते परिकर तपस्या करने वालों को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा, संघ की तरफ से सूचना। Thank you.
उसका अजय